जल्दी करना भैया, वेट है इसमें। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं सडनली के बीच में एयरपोर्ट पे कैसे आ गया, तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा ये है 9th डे और अभी रात के बज रहे हैं 10:18 और सडनली मेरे को फ़्लाइट बुक करके दोबारा वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है। वो क्यों वो मैं बाद बताऊँगा, पहले ही बताता हूँ कि अब तक का जो मेरा सफ़र था वो एक्चुअली बहुत अच्छा था। पहले मुझे डर लग रहा था कि सोलो ट्रिप होगी, साउथ इंडिया फर्स्ट टाइम, लैंग्वेज बैरियर होगा, ऐसा वैसा, बट कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में 2 दिन थोड़ी टाइम लगा एडजस्ट करने में, बट धीरे 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 यूज़ टू जाते हो आप उस चीज़ से। बट हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, तो अगर आप चावल खा सकते हो डेली बेस पे तो आप बहुत आराम से यहाँ पे महीना रुक सकते हो। अगर आप नॉन वेज हो तो आप बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, सी फूड है, इवन बीफ वगैरह भी मिलता है यहाँ पे, जो कि नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलता, तो खाने वाले खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। पर रही बात वेजिटेरियन की, तो नॉर्थ इंडियन तो बिल्कुल बेकार मिलता है यहाँ, तो चावल इडली डोसा सांभर, आप एक मील आती है दिन में मिलती है, वो मील खाओ, बहुत बढ़िया मील है। इवन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, केरला परांठे आते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो फिलहाल के लिए तो सीन ये है कि मेरी फ़्लाइट है सुबह 5:55 की और एंट्री शुरू होगी 1-2 घंटे पहले, तो तब तक मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसे ही बैठना है। देख सकते हो मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, पैर फैला के, सामान पड़ा हुआ है मेरा सारा। तो अभी 10:30 से 3:30 में अगर लेके चलूँ तो ये मुझे 5 घंटे में टाइम स्पेंड करना है। ऐसे लगता तो नहीं मुझे नींद आएगी, बीच में ये ना होता ना मैं तो बेशरम होकर सो जाता भाई। अभी तो बेशरम तेरा पैर रखा हुआ है ऐसे, तो देखते हैं कैसे टाइम बीतेगा। 5 घंटे निकालने हैं, फिर चेकिंग होगा, फिर 4 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली की। अगर धुंध नहीं हुई तो टाइम से पहुंच जाएगी, अगर फॉग हुआ तो हो सकता है वो भी डिले हो जाए। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का स्ट्रगल है अभी ये। 12:30 हो गए टाइम पास करते करते, ऑलमोस्ट 3 घंटे और करना। तो भाई नींद आ रही है बहुत जोर की, और इतनी स्ट्रगल क्यों की जा रही है, सस्पेंस थोड़ा बनने दो, बताएंगे। भाई इतने मच्छर हैं यहाँ पे, परेशान हो गया मैं। फिर लास्ट में सोने की कोशिश की पर सो नहीं पाया, मच्छर से पैरों में सॉक्स भी डाली सब करूँ। बट अभी जस्ट मैंने देखा कि 2:56 हो गया है, मुझे 4.5 घंटे हो गए हैं बैठे बैठे। और देखो चेक इन शुरू हो गया, तो चेक इन कर रहे हैं, तो क्या पता थोड़ा मच्छर कम हो। चलो भाई सारा चेक इन चुक इन करके बैग रखवा के ऊपर आ गया हूँ मैं, और अपनी फ्लाइट है ये, गेट नंबर 3 पे आएगी। यहाँ पे बैग रखा हुआ है मैं टेढ़ा मेढ़ा, देखो। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैं ट्रिप के मतलब ट्रिप तो ऑलमोस्ट केरला का पूरा हो ही गया था, और मैं एकदम से सुबह इतनी सुबह की फ़्लाइट क्यों पकड़ रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे एक फ्रेंड की शादी है, वो मेरे को बहुत बार बोल चुकी थी कि आना है, तो मेरा था कि नहीं यार जब तक मैं केरला पूरा घूमूंगा नहीं मैं आऊँगा नहीं, तो मेरा टाइम नहीं, केरला पूरा हो गया था। तो मैंने उसको अब तक बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ उसकी शादी में, इसलिए मैंने इतनी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली है ताकि मैं आराम से पहुँच के रेस्ट करके फ्रेश होके अच्छे से नहा धो के उसकी शादी अटेंड कर सकूँ। तो इसके लिए सरप्राइज़ रहने वाला है, तो अब देखते हैं कि क्या उसका रिएक्शन आएगा। पर अभी भी ये मान के चलो 3:30 हुए हैं और फ्लाइट मेरी है 5:55 की, तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो लगे हुए हैं यहाँ के फेमस बनाना चिप्स। पिछले घंटे में से ना बहुत सही बारिश हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो पानी की बूंदें छवी हुई है, पर हमारी मेरे को भयंकर वाली थी। 3:30 घंटे की फ्लाइट है, सोते हुए जाएंगे।
तो फ्लाइट थी ज़्यादा नहीं 15 मिनट लेट थी, ज़्यादा लेट नहीं हुई फ्लाइट तो अच्छी बात है। पर टेम्परेचर अभी है 15 डिग्री और वहाँ पर था 30 डिग्री, तो ऑलमोस्ट हाफ डिग्री का ड्रॉप आ चुका है, 15 डिग्री का ड्रॉप आ चुका है। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, तो अपना बैग आएगा बेल्ट नंबर 5 पे, वहाँ से पर पिक करके निकलते हैं घर। वहाँ से आने के बाद ना, फ्लाइट से आने के बाद आपको आपने देखा था रात भर मैं सो ही नहीं पाया था, तो सबसे पहले जो मैंने किया खाना खा के मैं गया सो। ओ भाई मेरे को क्या आँख लगी, फिर एक नंबर की नींद आई है। उसके बाद जस्ट मैं उठा तो देखा कि भाई बाहर तो बारिश आ रही है, मतलब ऐसा ना हो कि मज़ा ख़राब हो जाए। इतनी दूर से मैं आया हूँ स्पेशली शादी इंजॉय करने, और बारिश में अगर मज़ा ख़राब हो गया तो बिल्कुल भी हिसाब नहीं बनेगा। बाहर इधर भाई मेरे साथ मम्मी जा रही है, तो मैं अकेला जा रहा हूँ, मम्मी आप भी चलो, उनको बोलता हूँ बैठने के लिए, बैठ जाओ। है तो एक लाइट खराब हो रही है, अब तक सही था ना, कुछ ना कराया तक। और बारिश हो रही है बड़ी बढ़िया वाली। एड्रेस है यहाँ से 1.5 घंटे, ऐसा 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है, बट अभी बारिश चक्कर में 1.5 घंटा दिखा रहा है। बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ अपनी गाड़ी को। तो भाई कहाँ है, सरप्राइज दे दो उसे, बढ़िया बढ़िया मम्मी बाहर। क्या सीन हो गया? तो उसे नहीं पता बिल्कुल भी कि मैं आ चुका हूँ, तो लेट्स सी द रिएक्शन। क्या हाल है? कैसे? हेलो, ठीक है, रायता फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। भाई मुझे लगा दुल्हन सरप्राइज हो जाएगी, बट वो अपनी टेंशन में अभी बिजी है, तो अब जस्ट अब एंट्री होने वाली है। चलो आ जा। अभी दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है। जल्दी करना भैया, वेट है इसमें। अभी तो सेंट्री होने वाली है। सामने जयमाल हो रही है और मेरे को मिल रही थी भूख, और खाना खाने लग गए, और बहुत दिनों बाद खाने को मिला है ना, तो चावल चावल खा रहा था मैं। Thank you.
टाइम हो रहा है 11:30 और मेरे को आ रही पहुँच होती है नींद, तो हमने करा बाय बाय और निकल गए हैं घर की तरफ। ऑल ओवर शादी थी अच्छी, कैसी लगी हमें शादी? बस थोड़ा ना बारिश ने थोड़ा प्लान सा खराब कर दिया था इनका ऑल ओवर, वरना अरेंजमेंट फूड वगैरह सब कुछ ही अच्छा था। अब यहाँ से सीधा घर निकलेंगे। अभी देखो मैंने व्लॉग कब स्टार्ट किया था, मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था केरला से और फरीदाबाद जाके ख़त्म हो रहा है ये, ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर होगा, अम्मी दूर था मैं। अब जल्दी जल्दी व्लॉग आने शुरू होंगे, तो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसी के साथ मैं थोड़ा ड्राइविंग कंस